लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे भैया, अब तो अयोध्या में कोई निर्धन ही नहीं रहा। अरे सीता मैया ने संपूर्ण अयोध्या में इतने आभूषण बंटवाए कि सबके मन गदगद हो गए। मेरी पत्नी तो आभूषण पहनकर रात भर अपने आप को देखती रही। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये भी, 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 अरे सीते, लंका के महायुद्ध के पश्चात तुम्हारे साथ होना कितना सुखद, कितना आनंदमय लग रहा है। हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मुक्तासुर का वध करके तुम अवश्य ही लौटोगे। जय श्री राम। प्रभु, ये सब तो आपकी कृपा है। माता, ये मुक्ताएं आपके चरणों में समर्पित हैं। ये सब अयोध्या वासियों की धरोहर है हनुमान। अब सब अयोध्या वासी मोतियों के आभूषणों से तो सज्जित दिखाई देंगे। हनुमान, हनुमान, मेरे प्रिय हनुमान। भैया, तुम लौट आए हनुमान। हाँ भैया, जाने से पहले मैंने आपको बहुत ढूंढा, परंतु मुझे सीता भामी ने सब कुछ बता दिया। हनुमान, हनुमान, स्वयं गुरु वशिष्ठ ने यहाँ पधारकर तुम्हारे पराक्रम की सूचना हमें दे दी है। भैया, क्या आप जानते हैं, पूरी अयोध्या नगरी में मोती बिखेरने वाले हनुमान की जय जयकार हो रही है। जय श्री राम। प्रभु, महावीर हनुमान के लिए कुछ सुंदर महिलाएं राजद्वार में प्रतीक्षा कर रही हैं। सुंदरियां, क्या बात है हनुमान, कौन है ये सुंदरियां? मैं क्या जानू माता, परंतु बाल ब्रह्मचारी हनुमान को सुंदरियां कहां ढूंढेगी? कहीं तुम्हें भ्रम तो नहीं हुआ? भ्रम नहीं हनुमान जी, ये सत्य है। माता, माता, पता नहीं ये नया संकट कहां से आ खड़ा हुआ। मुझे इस संकट से केवल आप ही बचा सकती हैं। कृपया मुझे इस संकट से बचा लीजिए माता। जाओ सीते, हनुमान को उस महिला संकट से तुम ही छुड़ाओ। जो आज्ञा प्रभु। क्या बात है, आप लोग शोर क्यों मचा रही हैं? हनुमान जी हमारे उद्धारक हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे प्राणदाता हैं। इन्होंने हमें मुक्तासुर से मुक्ति दिलाई, अब हम जीवन भर इनके चरणदासी बनकर रहना चाहते हैं। चरणदासियाँ, कहाँ फंस गए हनुमान बाल ब्रह्मचारी? भैया, आप खड़े खड़े मुस्कुरा क्यों रहे हैं? माता, इन्हें समझाइए ना। सुंदर अप्सराओं, तुम समझती क्यों नहीं, तुम हनुमान की चरणदासियां नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सदा स्त्रियों से दूर रहता हूँ। हम स्त्रियां नहीं, अप्सराएं हैं, स्वर्ग की अप्सराएं। आपको हमसे कोई कष्ट नहीं होगा हनुमान जी। आप डरिए नहीं हनुमान जी, हमें तो जीवन भर आपकी सेवा करके आपके उपकार का ऋण चुकाना है। परंतु एक सेवक को सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है, केवल अपना कर्तव्य निभाया है। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। हम स्वर्ग नहीं लौटना चाहते। जिस इंद्र ने हमारी मुक्तासुर से रक्षा नहीं की, हम उनका मुंह फिर से नहीं देखना चाहते। हनुमान जी, कृपा करके हमारी विनती सुनिए। माता, माता, ये मुझ पर विनती के बाण चलाती जा रही हैं, और आप मुस्कुरा कर चुपचाप देख रही हैं। कुछ कीजिए माता, कुछ कीजिए। भैया, भैया, आपका हनुमान एक विचित्र संकट में फंस गया है, और आप भी चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कुछ कीजिए माता, शीघ्र कुछ कीजिए। सुंदरी अप्सराओं,
तुम्हारी विनती व्यर्थ है। हमारे हनुमान को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। अप्सराओं, आप लोगों का स्थान यहाँ पृथ्वी लोक में नहीं है, आप लोगों का स्थान तो स्वर्ग लोक में है, और आप लोगों को यहाँ रहने में अपार कष्ट होगा। हम हनुमान जी के लिए कोई भी कष्ट सहन करने के लिए तैयार हैं। कृपा करके आप बीच में ना बोले। अब अपने शिष्य की रक्षा के लिए मुझे ही बीच में जाना होगा। नारायण 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 हनुमान मैं अभी अभी स्वर्ग के स्वामी इंद्रदेव से मिलकर आ रहा हूँ। उनकी दशा मुझसे देखी ना गई, मुझसे देखी ना गई। हनुमान इंद्रदेव को ना क्या था, मुक्तासुर नाम के एक राक्षस ने इंद्रदेव की अप्सराओं को बंदरी बना लिया। देवर्षि ये शांत हो जाओ हनुमान, और उन अप्सराओं को मुक्तासुर से छुड़ाने में इंद्रदेव असमर्थ रहे। देवर्षि ये क्या, शांत हो जाओ हनुमान। बस इस बात का उन्हें इतना पछतावा है, इतना दुख है उन्हें। देवर्षि शांत शांत शांत, तो इस बात का इतना पछतावा, इतना दुख है उन्हें कि उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। मैं बड़ी कठिनाई से उन्हें आश्वासन देकर आया हूँ हनुमान। कैसा आश्वासन देवर्षि? कृपया आप बीच में ना बोले, मुझे इंद्रदेव की व्यथा सुनाने दे। हाँ तो हनुमान, मुझे इंद्रदेव ने वचन दिया है कि यदि वे अप्सराएं उन्हें पुनः मिल गई तो वे उनकी हर इच्छा का सम्मान करेंगे, उन्हें शची से भी उच्च सम्मान देंगे। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कृपया आप बीच में प्रसन्न ना होइए, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। हाँ तो हनुमान, परंतु आप क्यों प्रसन्न हो रही हैं? इसीलिए कि वो अप्सराएं हम ही हैं। अच्छा अच्छा, वो अप्सराएं आप ही हैं। आप ही हैं? तो यहाँ क्या कर रही हैं? तुरंत स्वर्ग लोग लौट जाइए। अब जाइए भी। जो आज्ञा दे। कहीं हनुमान देवर्षि, क्या सचमुच इंद्रदेव इतने दुखी हैं? अब मैंने एक शिष्य के प्रति उसके गुरु होने का कर्तव्य निभाया है, इससे अधिक मुझसे और कुछ ना पूछिए। नारायण नारायण। गुरुदेव आप धन्य हैं, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। गुरुदेव आप धन्य हैं, गुरुदेव आप धन्य हैं। नारायण 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 नारायण।